कालीचरण के बाद अब विधायक प्रतिनिधि के खिलाफ एफआईआर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी पड़ी भारी। मंत्री और विधायक कमल पटेल के प्रतिनिधि हैं पूनम चंद गुप्ता। हरदा जिले की खिड़किया नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष और विधायक प्रतिनिधि पूनम चंद गुप्ता द्वारा महात्मा गांधी और कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना भारी पड़ गया। दरअसल कृषि मंत्री और हरदा खिड़किया विधायक कमल पटेल के विधायक प्रतिनिधि पूनम चंद गुप्ता ने फेसबुक पर महात्मा गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर अपमानजनक पोस्ट और कमेंट्स किया था, जिससे नाराज कांग्रेसियों ने चीपावड़ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच में लिया है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि राजनीतिक दबाव के चलते पूनम चंद्र गुप्ता पर जो धाराएं लगनी चाहिए थी वह नहीं लगाई गई हैं। हम मांग करते हैं कि पूनम गुप्ता को विधायक प्रतिनिधि पद से तुरंत हटाया जाए, देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाए। वहीं हरदा के पूर्व विधायक राम किशोर दोगने ने कमल पटेल पर आरोप लगाया है कि पूनम गुप्ता के बयान को 10 दिन हो चुके हैं, पर अभी तक कमल पटेल ने उसे विधायक प्रतिनिधि पद से नहीं हटाया। इससे जाहिर होता है कि कमल पटेल खुद भी गोडसे की मानसिकता के हैं। बीजेपी नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, क्या पूरा मामला था? देखिए, वो बीजेपी नेता पूनम चंद गुप्ता है, जो कमल पटेल विधायक जो है हमारे यहाँ से उनके प्रतिनिधि हैं वो, और उनके द्वारा गांधी जी और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और महात्मा गांधी जी के विरुद्ध अनर्गल टिप्पणियाँ की थी और बहुत गंदी बातें लिखी थी उन्होंने, और गांधी जी को गद्दार तक बोल दिया था। ये तो इसलिए हम लोगों ने शिकायत की थी और थाने में एफआईआर दर्ज कराने गए थे, पर प्रशासन के राजनीतिक दबाव के कारण उस टाइम एफआईआर नहीं हो पाई थी। पर 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था हमने कि अगर 3 दिन में नहीं होती है तो हम थाने पर ही धरना देंगे, थाना घेराव करेंगे और बड़े लेवल पर इसका आंदोलन करेंगे। तो वो दबाव में आकर पुलिस ने अभी एफआईआर दर्ज कर ली है कल रात को, क्योंकि कल भी हमने अल्टीमेटम दिया था, उसके बाद ही उन्होंने एफआईआर दर्ज की है और एफआईआर दर्ज करने के बाद उस पर कार्रवाई करने का आश्वासन हमको दिया है। भाई साहब, आखिर क्या कारण है कि साधु संत और बीजेपी के नेता अचानक एकदम से गांधी जी पर हमलावर हो गए? देखिए, ये लोग साधु संत काहे के, ये साधु थोड़ी है कालीचरण, आपको मालूम होगा कालीचरण का इतिहास, चुनाव लड़ा बीजेपी के उससे, ये काहे का संत है? संत होता है जो नर्मदा किनारे रहता है, संत होता है जो हिमाचल पर रहता है। ये सयासी करने वाले संत थोड़ी है। मैं तो यही कहूँगा इसको, जो आदमी जिम जा रहा है अपनी बॉडी बना रहा, वो काहे का संत है? तो संत नहीं है ये, ये तो ये हमारे देश की विडंबना है कि भाजपा के लोग उसको संत मान रहे हैं और संत मानकर उसको प्रचारित कर रहे हैं। तो वो बिल्कुल संत नहीं है, वो तो लफंगा आदमी है, उसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध भी है और सब तरह की गतिविधियों में लिप्त आदमी है। तो इसलिए उसको तो बिल्कुल बंद करना चाहिए जेल में, और जेल से छूटना नहीं चाहिए। देश को अगर देश में बचाना है तो ऐसे लोगों को तो जेल में डालना चाहिए, और वैसी की वैसी कार्रवाई पूनम चंद गुप्ता पर भी होना चाहिए, जो एक सभ्य और मतलब सभ्य आदमियों पर इस तरह की टिप्पणी करना, अनर्गल बात करना, देशद्रोह के उसमें भी आता है। तो ये निश्चित उस पर कार्रवाई होना चाहिए, और मैं तो मांग करता हूँ कि विधायक जी, जो हमारे कृषि मंत्री जी हमारे हरदा के विधायक भी हैं, वो अपना प्रतिनिधि बना के रखें ऐसे आदमी को, तो मेरे को लगता है उनकी उसकी विचारधारा से ये भी सहमत हैं। अभी तक उन्होंने अपने प्रतिनिधि पद से हटाया नहीं है उसको। अगर अपराध पंजीबद्ध हो गया, शासन उसको मान रहा, आपकी सरकार उसको मान रही है कि अपराधी है, इसने गलत काम किया है, तो प्रतिनिधि को तत्काल हटाना चाहिए था, उन्होंने हटाया नहीं है। तो इससे इसका मतलब सीधा सीधा लग रहा है कि ये भी गोडसे के पक्षधर हैं, और गोडसेवादी नीति के पक्षधर ये हैं कमल पटेल जी भी। तो मेरा तो आरोप है तत्काल हटाएं, नहीं तो हम इसके लिए आंदोलन करेंगे कि मंत्री जी को खुद को इस्तीफा देना चाहिए। जब उनका प्रतिनिधि इस तरह की अगर बात करता है तो मंत्री जी को खुद को इस्तीफा देना चाहिए कि ऐसे प्रतिनिधि को या तो तत्काल हटा देते तो मान लेते हम, पर नहीं हटा रहे, इसका मतलब सीधा सीधा है कि ये भी उसमें इन्वॉल्व है, तो इनको खुद को इस्तीफा देना चाहिए। मैं ये मांग करता हूँ। पर गांधी जी को लेकर विवादित पोस्ट की गई थी, जिसको लेकर खिड़किया थाने में एफआईआर दर्ज हुई, क्या है मामला? खिड़किया थाने में कल एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है, धारा 153 ए 505(2) आईपीसी के तहत। इसमें फेसबुक प्रोफाइल पूनम चंद गुप्ता के नाम से एक प्रोफाइल क्रिएट हुई है, उस प्रोफाइल पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष के विरुद्ध अशोभनीय शब्दों के साथ एक टिप की गई थी, जो कि दो धार्मिक भावनाओं, दो समुदाय के बीच धार्मिक भावनाओं को भड़काने या इस तरह से होने से उसमें हमने मुकदमा पंजीबद्ध किया है। गुप्ता ने 23 दिसंबर को अपने फेसबुक वॉल पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में एक गद्दार शब्द का भी
एक गद्दार थे और देश का के दो टुकड़े किए थे इन्होंने, ये गद्दार कत्लेआम कराया था इन्होंने, ऐसे शब्द उनके बारे में कहे थे। और माननीय सोनिया गांधी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस की, जिसने देश के प्रति अपने परिवार के तीन तीन लोगों की शहादत दी है, उनके बारे में उन्होंने बहुत ही अनर्गल टिप्पणी की थी, उसको लेके कांग्रेस पार्टी ने उन्हें आवेदन दिया था। जो बयान उन्होंने दिए थे उस बयान के आधार पे तो उन पर देशद्रोह की धारा लगना चाहिए, जो पुलिस ने अभी भारतीय जनता पार्टी के दबाव में लगाई हुई है। दूसरी हमारी जो मांग थी उनसे कि वर्तमान में जो कृषि मंत्री है और हरदा के विधायक है, वो बार बार जहाँ देखो सार्वजनिक मंच पे कहते हैं कि गांधी जी के सपने मोदी जी साकार कर रहे हैं, तो क्या उनकी पार्टी में ऐसे ही संस्कार दिए जाते हैं जो कि गांधी जी को गद्दार कह रहे हैं, देशद्रोही कह रहे हैं, कत्लेआम कराने वाला व्यक्ति बता रहे हैं, और वो व्यक्ति जो है वो कृषि मंत्री जी का विधायक प्रतिनिधि नगर परिषद खिड़किया में बनाया हुआ है। हमने मांग की थी कि कमल पटेल अगर वास्तव में गांधी जी के बताए हुए सिद्धांतों पे अगर उनकी पार्टी चल रही है तो पूनम गुप्ता को उसी रोज उनको तत्काल विधायक प्रतिनिधि से के पद से हटाना था और पार्टी के से उनको निष्कासित करना था, जो आज तक उन्होंने उसको ना तो पार्टी से निष्कासित किया है ना विधायक प्रतिनिधि पद से हटाया है। इससे यह प्रतीत होता है कि मंचों से भाषण देने में और वास्तविक गांधी जी के सिद्धांतों को अपनाने में बहुत फर्क है। इसी को लेकर हमने आज भी पूनम चंद गुप्ता के जो फेसबुक वाल है उस पर वो कमेंट्स आज भी है, उसने अभी तक भी नहीं हटाया है। ये लोग केवल अपनी पार्टी में अपने अंक बढ़ाने के लिए ऐसे प्रचार करते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का काम ये लोग करते हैं। इसको लेके अगर प्रशासन ने उस पर देशद्रोह की धारा नहीं बढ़ाई और कमल पटेल ने उसको अगर विधायक प्रतिनिधि से नहीं हटाया, पार्टी से नहीं निकाला, तो हम आगे भी इसके लिए न्यायालय में जाना पड़ा, तो उसके लिए न्यायालय। कालीचरण महाराज के बयान के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर सोशल मीडिया में पोस्ट की जंग छिड़ी हुई है। कोई कालीचरण का समर्थन कर रहा है तो कोई विरोध में है। अब मंत्री और विधायक कमल पटेल के प्रतिनिधि के खिलाफ FIR दर्ज हो जाने के बाद सियासत की चिंगारी में आग लगने की संभावना है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए हरदा से ब्यूरो रिपोर्ट, मैं हूं सीमा वर्मा, टाइम 8 मध्य प्रदेश से। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है, तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।